एक बार फिर रुक कर लेते हैं गुमला की और गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में महिलाओं ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए वटवृक्ष की पूजा अर्चना की। सुबह 6 बजे से ही भारी संख्या में महिलाएं वटवृक्ष की पूजा अर्चना करने पहुंची। महिला वटवृक्ष का परिक्रमा करने लगी। इस दौरान सभी महिलाओं ने मास्क भी लगाया हुआ था। वहीं चैनपुर में 2 स्थानों पर वटवृक्ष की पूजा अर्चना की गई, जिसमें पुरोहित अवनीश पाठक के द्वारा सभी सुहागिन महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री की कथा सुनाई गई। उस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की कामना करने लगी। बताते चले कि वट सावित्री पूजा की परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जिसमें मान्यता है कि देवी सावित्री अपने अल्पायु पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ गई थी, जिसे स्वयं यमराज ने उसकी दृढ़ तपस्या व्रत से विवश होकर सत्यवान के प्राण वापस किए थे। सावित्री को यह वरदान वटवृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। तब से लेकर आज तक वट सावित्री की पूजा की परंपरा आज के दिन महिला धूमधाम से करती हैं। पूजा अपने पति के लिए ही रखा जाता है, पर इस बार कोरोना की वजह से बहुत सी लेडीज लोग अच्छे से ये पूजा नहीं कर पाई, तो इसीलिए इस वर्ष प्रार्थना है कि कोरोना को जल्द से जल्द हमारे देश से मुक्त कर दें। तो क्या मन्नत मांगे हैं? बस यही, अपने पति के लिए लंबी उम्र और कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश। ये मानते हैं कि सभी ने बहुत गलत किया है, सावधानी बरतनी चाहिए थी, सावधानी से हमारा ही फायदा है, इसीलिए सबको अपना सुरक्षा अपने हाथ से करना चाहिए। क्या नाम है? सुलोचनी कुमार। अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख घर में सुख शांति समृद्धि आने के लिए वट सावित्री की पूजा करती हूँ। और क्या बोले? क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना देवी।